Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce classes. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और अब तक मुझे जान चुके होंगे कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12। ऑल राइट, सो जैसा कि हम लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर से हमने अपने 8 प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से पैकअप कर लिया था। आइए एक बार फटाफट उन प्रिंसिपल्स पे गो थ्रू करते हैं कि हमने कौन से प्रिंसिपल्स सॉरी कि हमने कौन से प्रिंसिपल्स उस दिन कंप्लीट करे थे। देखिए, सबसे पहला था आपका डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन टू इंप्लॉयज एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये 8 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़े थे लास्ट लेक्चर में एंड आज हम लोग उसी के ही आगे पढ़ने वाले हैं अपने बचे हुए प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आइए फटाफट से इन प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कवर करते हैं। एंड मैं आज आप लोगों के लिए साथ ही में ना हेनरी फ्यूल के बारे में भी लिख कर लाई हूं, तो हेनरी फ्यूल के बारे में भी हम लोग आज ही पढ़ लेंगे। जो 4-5 पॉइंट्स रहेंगे वो हम आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आता है स्केलर चेन। अब यू विल से मैम स्केलर चेन क्या होता है, लाइक वी डोंट नो व्हाट इज स्केलर चेन। देखो पहले क्या लिखा है ना, ये पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सम सुपीरियर्स एंड सम सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं। द फॉर्मल लाइंस अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। मैम समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हो? देखिए इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो यहां पे हमारे आते हैं टॉप अथॉरिटी के, ये हमारे ए हैं। आई गेस इट्स नॉट विजिबल टू यू, वेट। जी देखिए, यहां हमारे आते हैं टॉप अथॉरिटी के, इसके बाद इनके नीचे आते हैं हमारे मिस्टर बी एंड देन मिस्टर सी, उसके बाद बी के नीचे आते हैं मिस्टर डी एंड सी के नीचे आते हैं मिस्टर ई। सिमिलरली डी के नीचे आते हैं मिस्टर एफ एंड ई के नीचे आते हैं मिस्टर जी। ठीक है, ये क्या चल रहा है, ये हमारा चल रहा है एक वे चल रहा है हमारा कि ए के नीचे बी, बी के नीचे लाइक यू नो ए बी सी, टॉप से लोअर तक एक सीक्वेंस चल रहा है। अब अगर आप देखो तो ये क्या है, ये फॉर्मल लाइंस ही तो है जो हम एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इससे ऑर्डर यहां जाएगा, ये वाला ऑर्डर बनता है यहां पहुंचाएगा, यहां से यहां पहुंचेगी, यहां से यहां पहुंचेगी। तो देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये फॉर्मल लाइंस के थ्रू जो हमारे ऑर्डर्स हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है उसको हम फ्लो डाउन कर रहे हैं। सिमिलरली मिस्टर एफ, सिमिलरली जो मिस्टर एफ है इनके पास आई कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, मिस्टर एफ के पास आई कोई इंफॉर्मेशन। अब मिस्टर एफ ने मिस्टर डी को दी, मिस्टर डी ने मिस्टर बी को दी, मिस्टर बी ने मिस्टर ए ने सी ने ई को एंड ई ने जी को। ये फॉर्मल लाइंस के थ्रू जो हमारी बातें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज है, ये हम एक दूसरे तक कनेक्ट करते हैं। तो ये फॉर्मल लाइंस का जो कनेक्शन हो रहा है, दिस कनेक्शन इज व्हाट, दिस कनेक्शन इज नोन एज स्केलर चेन। अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे फॉर्मली ही चीजें चलेंगी, फॉर्मल लाइंस। एक सुपीरियर जब कोई, जैसे हमारा मिस्टर ए कौन हो गया, यहाँ पर सुपीरियर हो गया, सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को कुछ बोला और वहां से बात एक एक करके आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम अगर यहाँ पर किसी को भी इमरजेंसी आ जाए कोई, यू नो लाइक हमें, जैसे कि बात करते हैं कि मिस्टर डी को ना कोई बात इमरजेंसी मिस्टर ई को बतानी है,
अब वो डायरेक्टली तो नहीं बता सकता ऐसे, तो ये फॉर्मल लाइंस का जो सीक्वेंस आ रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। तो मैम मिस्टर डी मिस्टर ई को कोई बात कैसे बताए अगर कोई इमरजेंसी है, लाइक हमें पता चला कि हमारी फैक्ट्री में ना आग लग गई है, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, और फैक्ट्री को मैनेज कौन करता है, मिस्टर ई। तो मिस्टर ई उस टाइम पे वहां पर प्रेजेंट है जो कुछ कर सकते हैं। हमें मान लीजिए कुछ पता चला है कि लाइक यू नो गोडाउन में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल हमने छुपा कर रख रखा है, उसको बचाना है, हमें मिस्टर ई से कनेक्ट करना है। अब क्या मिस्टर डी को ये इन्फॉर्मेशन पता है कि ये कहाँ पे सामान पड़ा है, तो क्या मिस्टर डी मिस्टर बी को बोले, मिस्टर बी मिस्टर ए को बोले, मिस्टर ए मिस्टर सी एंड देन मिस्टर सी मिस्टर डी, अरे इतने में तो आग लग के सब खत्म हो जाएगा यार, ऐसे नहीं चल सकता। तो जब मिस्टर डी मिस्टर ई को डायरेक्टली कोई चीज बताएंगे इस पर्पस इस प्रोसेस, जब उसने फॉर्मल लाइंस को फॉलो ना करते हुए डायरेक्टली उसको बताया, दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। व्हाट? गैंग प्लैंक। ठीक है, आई होप ये आपको एक डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, अब हम इसकी लैंग्वेज पर चलते हैं। देखिए इसने क्या बोला, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सम सुपीरियर्स एंड सम सबॉर्डिनेट्स। ठीक है मैम, ये तो हमें पता है, फॉर्मल लाइंस अथॉरिटी होती है जो हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक के पास हम बात अपनी पहुंचाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेओल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। हमें पता है कि टॉप मैनेजमेंट मिस्टर ए ने हमें जो बात बताई है उसको हम धीरे धीरे करके सिक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्यूल दिस चेंज शुड नॉट बी वायोलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कुछ इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मली आप रह रहे हो, तो आप इस चेन को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन इफ देर इज एन इमरजेंसी देन ई कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू ओ, जो हमारे एग्जाम्पल में ई कौन था मिस्टर डी एंड ओ कौन था मिस्टर ई, तो डी कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू ई थ्रू गैंग प्लैंक। आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या है ये गैंग प्लैंक, जब मिस्टर डी ने मिस्टर ई से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया, शोन इन द डायग्राम, मैंने आपको डायग्राम अभी बताया। दिस इज अ शॉर्टर रूट एंड हैज बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिलेड। ये इसलिए कि कम्युनिकेशन डिले ना हो, और कोई भी अर्जेंसी है या कोई भी सर्कमस्टांस जो लॉस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उससे बच सके। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप स्केलर चेन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। अब नाउ यू विल से ऑर्डर, I order you not to come in my class. I order you not to throw the things at each other. I order you to maintain some discipline. कि मैंने क्या कहा, ये है order. No, यहाँ पे इस order की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर order का क्या मतलब है कि हर एक चीज अपने order पे होनी चाहिए। Like अगर ये pen मेरे tablet के अंदर रहता है तो ये pen इस tablet के अंदर ही रहेगा। अगर ये फोन टेबल पे रहता है तो ये फोन टेबल पे रहेगा। अगर इस कवर में माइक होता है तो इस कवर में माइक ही जाएगा। अगर यू नो अगर ये पेन का जो कवर है मेरा, अगर ये पेन कवर इसको कवर करने के लिए रखते हैं तो ये यही रहेगा। विच ये लैपटॉप मेरे सामने, तो ये सामने ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जो थिंग्स का प्रॉपर अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, वो सिक्वेंशियल जैसे भी वो रहती है उसको वैसे के वैसे मेंटेन करके रखेंगे ताकि काम इजीली हो सके। अब मुझे आपको पढ़ाना है एंड मुझे ये पेन नहीं मिलेगा, मैंने ये पेन कहीं रख दिया, मुझे याद नहीं कि मैंने ये पेन कहाँ रखा। अब मैं पढ़ाने बैठी हूँ, मुझे ये पेन नहीं मिलेगा तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेरा काम भी डिले हो रहा है, तो इससे क्या होगा, यू नो इससे हम दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये प्रिंसिपल हमें इसी की तरफ लाइट डालता है कि हर एक चीज अपने प्लेस पर होनी चाहिए, राइट थिंग एट द राइट प्लेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल पीपल एंड प्रिंस सॉरी पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेज एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैंने यही बताया, राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, यही चीज मैंने आप लोगों को बताई है।
देखो द प्रिंसिपल ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग इन इट्स और हर प्लेस. इसको काट दो, ये कुछ नहीं. ये जो मैंने आपको लाइन लिखवाई है ना ऊपर, कट दिस लाइन. राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस, ये लिखना है यहाँ पर. एसेंशियली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस, मतलब हर चीज अपने अपने ऑर्डर पर होनी चाहिए. इफ देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग then it is present there, then there will be no hindrance in the activity of business or factory. This will lead to increased productivity and efficiency. यही मैंने बताया कि अगर ये पेन अपने राइट प्लेस पे नहीं होगा तो क्या होगा, एफिशियंट वर्क नहीं हो पाएगा, मेरा काम डिले हो जाएगा. लेकिन अगर ये पेन टैब में था और मैंने इसको निकाला और मैंने आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, कोई हिंड्रेंसेस नहीं आएगा, काम डिले नहीं होगा और बहुत एफिशियंटली मेरा काम परफॉर्म होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी इक्विटी मींस जो कंपनीज में इक्विटी होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो वाली है क्या मैम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए इक्विटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट एज फेयर एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन ऑफ देयर वर्क एंड बिलोंगिंगनेस ऑल्सो. ठीक है, कहने का मतलब है ना, सबको इक्वली ट्रीट करेगा. ऐसा नहीं करेगा कि मैंने इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे दी, इसको कम प्रेफरेंस दे दी, अरे यार मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, इसको कम प्रेफरेंस दूंगी, तो बंदा डिमोटिवेटेड सा हो जाएगा. वो कहेगा मेरा मैनेजर ना पार्शियल है, तो मैं इतना अच्छे से काम क्यों करूं, दूसरे तो मेरी तारीफ करनी ही नहीं है. तो हर एक बंदे को इक्वल रखेंगे, वेदर रेम्यूनरेशन के पर्पज से या वेदर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से, सब लोग इक्वल रहेंगे, किसी को भी हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे. ठीक है, ताकि क्यों ऐसा करना है, ताकि वो लोग अपने काम के लिए क्या रहे, डेडिकेटेड रहे. चलिए नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल. पर्सोनल मतलब जो हमारे यहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयज वगैरह. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट वर्क कंटिन्यूस एफिशिएंटली. अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली. देखिए ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ना, ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं, चार लोग. कौन कौन? रामू, श्यामू, गीता, सीता. ये चार लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. अभी हमारी जीजी, जो हमने गोलगप्पे की दुकान खोलने का अपना सपना सोचा था, वो चल रहा है. इतने में क्या होता है, सीता क्या बोलती है कि मैं छोड़कर जा रही हूं, और सीता चली गई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन. रामू चला गया कहीं और, गीता चली गई कहीं और श्यामू भी चला गया कहीं और. इतने में नए एम्प्लॉयज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आ गए. अब आप देख रहे हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है. सपोज करो रामू जो था ना, वो कूरीज बनाता था, फिर उसको क्लीन करते हैं, बहुत ज्यादा डर्टी हो गया. क्या था, हमारा जो रामू था ना वो बनाता था पूरीज, जो सीता थी ना वो बनाती थी वाटर, जो गीता थी वो बनाती थी मसाला, और जो हमारा श्यामू था वो हमारा काउंटर का काम करता था. ठीक है, अब इस बीच क्या हुआ, हमें 100 पूरीज बनानी थी और 100 पूरीज में से 50 पूरीज आर प्रिपेयर्ड एंड रामू चला गया कहीं और, रामू का हो गया खात्मा. सीता ने पानी में मसाला वसाला बना के रख दिया था, लेकिन उसमें कितनी क्वांटिटी पानी की जाएगी और क्या लाइक धनिया वनिया चटनी सब बनानी थी, उसे सिर्फ पानी ऐड करना था, उसी को पता था इसमें कितना एमएल पानी चला गया और सीता भी चली गई छोड़कर. इतने में मैंने दो लोगों को और अपॉइंट किया. मैंने किसको अपॉइंट कर लिया, मैंने किया प्रीति को, मैंने किया आयुष को. इन दो लोगों को क्या कर दिया, मैंने अपॉइंट कर दिया. प्रीति को मैंने बोला तुम बनाओगी पूरी, आयुष को मैंने बोला तुम बनाओगी पानी, क्योंकि तुम उसमें एक्सपर्ट हो. अभी सीता ने उसमें ऑलरेडी इनफ सॉल्ट डाल रखा है,
आयुष ने सोचा इट्स नॉट अप टू द मार्क, उसने और सॉल्ट ऐड कर दिया। अब जब अल्टीमेटली वो बनकर निकले तो इतने ज्यादा नमकीले थे कि खाए नहीं जा रहे थे। तो अब देख रहे हो, अगर हमारा पर्सनल, और फिर आयुष भी छोड़कर चला गया, इतने में अमन आ गया, फिर अमन भी चला गया, रमेश आ गया, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं ना, तो जो मेरा काम है अल्टीमेटली वो भी ठीक से निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि हर बंदा अपने ही तरीके से एफिशिएंट होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, एज वी ऑल नो। तो अगर सेम सेम करके चलेंगे ना, तो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चेंज करते रहेंगे, आता जाता रहेगा, तो एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और काम जो होगा वो डिले होता जाएगा, और काम इफिशियंटली भी निकल कर नहीं आएगा। तो यही बोला है स्टेबिलिटी के अंदर। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय, सो दैट वर्क कंटिन्यूअस एफिशिएंटली, काम अच्छे से होता रहे। का लोग निकलते जा रहे थे, आते जा रहे थे, क्या काम इफिशियंटली नहीं हो पा रहा था? ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इज डन। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव क्या, सब लोग अपना अपना इनिशिएटिव देंगे? यस, इनिशिएटिव लेना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हम जो प्लान बना रहे हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके, कोई उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, तो कोई इस प्लान को बनाने में अपनी आइडियाज दे सके, या कोई हेल्प कर सके। सपोज इफ वी आर टीचर्स और मैं पढ़ा रही हूँ, और मुझे कहीं से सजेशन आता है कि मैम आप ना अपने पढ़ाने में थोड़ा सा चेंज लेकर आओ, तो मैं उस सजेशन को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो मुझे पता चला ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट टाइम पूछा कि आप लोग बताइए कि क्या और कोई सजेशन है, तो अब वो लोग ना इनिशिएटिव ले रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि यस मैम आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। तो इनिशिएटिव ले रहे हैं सब लोग, तो अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो मुझ पर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग, टेकिंग इनिशिएटिव, राइट? तो यही यहाँ पर बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको मौका मिलना चाहिए, सब लोग अपना इनिशिएट करें, और आपके प्लान के अंदर या एग्जीक्यूशन के अंदर। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फील्ड। वर्कर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो लोग भी मतलब यू नो वो भी एनकरेज हो, और वो भी हमारे इसके अंदर इनिशिएटिव ले सके। इनिशिएटिव मीन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। अब इनिशिएटिव मुझे सजेशन देने कौन सबसे पहले आएगा? जो मोटिवेटेड होगा, जिसको पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि अरे यार कुछ नहीं होता ना, वो बताने में क्या खर्च है, ऐसे बोला तो वो क्या सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, इट इज अ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, बाहर सोचना और प्लान को एग्जीक्यूट करना। दिस इज व्हाट, दिस इज इनिशिएटिव। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मैं हर पॉइंट के बाद इसलिए पूछती हूँ कि अगर आपको गलती से कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो आप उसी टाइम कॉमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम मुझे ना इस पॉइंट में प्रॉब्लम थी, सो दैट मैं उस पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, एंड लास्ट इज स्पिरिट द कॉर्प्स। अब देखो, ये तो वर्ड ही बड़ा यू नो फ्रेंच सा और यू नो कुछ अजीब सा वर्ड लग रहा है। ये क्या है, फ्रेंच है, लैटिन है? देखो ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन सा वर्ड है, लेकिन हम इसके बारे में जनरली पढ़ लेते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कौन सा वर्ड है, ऑनेस्टली सेइंग मुझे भी नहीं पता कौन सा वर्ड है। चलो, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। जो मैनेजमेंट है वो लोगों के अंदर स्पिरिट क्रिएट करेगी कि आप लोग टीम में काम करो, अच्छे से काम करो, यू नो कोऑर्डिनेशन। उसमें भी हमने टीम वर्क के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है उसमें यू नो ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग एकदम एक साथ एकजुट होकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और आप लोगों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। टीम की तरह काम करो तो चाकू छुरियां निकाल के आ गए, फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना। सब लोग हैप्पीली और हार्मनी से ब्रदरहुड के साथ काम करेंगे। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। देखो, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे गोल्स यू नो 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे ऐसे गोल्स होते हैं, वहां पे लोग भी ज्यादा होंगे, और अगर लोग ज्यादा होंगे तो उनके बीच हार्मनी और सब कुछ शांति पीसफुल माहौल क्रिएट करना डिफिकल्ट है। तो टीम वर्क ज्यादा जरूरी वहीं पे है कि पीसफुली वहां पे अच्छे से काम हो सके। ठीक है, इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन कंट्रोलिंग लॉस। क्या,
इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन कोऑर्डिनेशन. सिंपल, इससे मतलब कोऑर्डिनेशन आएगा आप सबके बीच में. अच्छा, इसमें ना एक वर्ड और इम्पोर्टेंट है, मैनेजर्स शुड यूज वी इंस्टेड ऑफ आई. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट डाउन करिएगा. मैनेजर शुड यूज वी इंस्टेड ऑफ आई. अब मैंने ना एक टीम दे दी कि रमेश आपके पास 10 लोगों की टीम है, आप ये गोल कंप्लीट करके ले. अब वो लेकर उनकी टीम ने मिलकर, वो सिर्फ गाइडेंस एंड मोटिवेशन एंड ऑल लीडर था उनका, और वो आ गया. उसने बोला लीजिए सर आपका काम हो गया. मैंने देखा, मेरे को वाओ वेरी नाइस, आपने तो बहुत अच्छा काम किया. उसने कहा सर आफ्टर ऑल आपने काम मुझे दिया था, मैंने तो अच्छा करना ही था. अब यहाँ आ गई मैं, और बाकी लोग सोचेंगे हमारा क्या जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत करी थी. इसके अलावा मैनेजर को क्या बोलना चाहिए, सर काम तो अच्छा होना चाहिए, हम सब ने इतनी मेहनत जो करी, हम सब दिन रात एक करके काम कर रहे थे. सो वी शुड यूज हम इंस्टेड ऑफ मैं, विच मीन्स वी शुड यूज आई इंस्टेड ऑफ, सॉरी वी शुड यूज वी इंस्टेड ऑफ आई. हम यूज करना है, मैं यूज नहीं करना है. क्लियर? सो यहां पर आकर हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कंप्लीट. अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज हेनरी फ्यूल के बारे में, एंड देन हम फटाफट से इसको पैकअप कर देंगे. ठीक है, ज्यादा हम प्रॉब्लम नहीं लेंगे. इसके बाद हमारा क्या बच जाता है, देखो तो मैं सिनॉप्सिस दे दूं, आपको आइडिया दे दूं. हमारे यहाँ पे आप समझ लीजिए 70% ऑफ चैप्टर हो जाता है फिनिश. इसके बाद हमारे आते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, क्या आएंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आएंगे. अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, तो देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करें ना, तो टोटल 4 ही प्रिंसिपल्स है, लेकिन जो टेक्निक्स है ना, देर आर 9 टेक्निक्स. तो अगर मैं बात करूं इस लेक्चर के अंदर, तो आप लोगों का ये फिनिश हो जाएगा 14 प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे एंड हाफ अपने टेक्निक्स को पढ़ लेंगे. एंड लास्ट लेक्चर आप करेगा बिल्कुल छोटू सा, एकदम छोटू सा, उसके अंदर हम फटाफट से अपने बचे हुए टेक्निक्स को पढ़ेंगे एंड चैप्टर को पैकअप कर देंगे. लास्ट लेक्चर के अंदर ही मैं कोशिश करूंगी कि आपका रिवीजन भी ले लूं. आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन पेंडिंग है, बट वो जल्दी आएगा, बिलीव मी. लेकिन सेकेंड चैप्टर की मैं कोशिश करूंगी कि जो आपका रिवीजन है ना, वो लास्ट लेक्चर में जाए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में टेक्निक्स की बात करें तो 3-4 टेक्निक्स या 4-5 टेक्निक्स ही बचेंगी, ज्यादा टेक्निक्स नहीं बचेंगी. तो वो टेक्निक्स हम करके उसके बाद फटाफट से 25-30 मिनट्स में रिवीजन कर लें. ठीक है, तो चलो चलो फटाफट से अपना हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए हेनरी फ्यूल कौन थे, हेनरी फ्यूल मैम बताइए. हेनरी फ्यूल, देखो हेनरी फ्यूल में आपको बात करता हूँ, हेनरी फ्यूल सिर्फ आपके यहाँ बिजनेस स्टडीज में नहीं है. हेनरी फ्यूल आप आगे चल के कोई भी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लेंगे ना, स्ट्रेटेज कॉलेज में, सीए में, सीएस में, कहीं पे भी लेंगे, तो हेनरी फ्यूल का नाम ना आपको एज अ फादर मिलेगा ही मिलेगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. हेनरी फ्यूल ने इतनी ज्यादा मैनेजमेंट को लेकर स्टडीज किए और इतना ज्यादा उन्होंने डिवोट किया ना अपना टाइम, कि वो आपको हर जगह पर मिले. ठीक है, तो अभी अपने टॉपिक पर आते हैं. हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एटीन इन 1860 इन माइनिंग इंजीनियरिंग. ये किसमें इन्होंने ग्रेजुएशन ली, माइनिंग इंजीनियरिंग में इन्होंने ग्रेजुएशन ली. ही डिस्क्राइब 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. यहाँ आती है पते की बात, कौन सी बुक दी इन्होंने, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. कौन सी बुक दी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. इन लास्ट फ्यूल वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये पहले ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने हमें 4 फंक्शन दिए. मैम फंक्शन तो 5 है, बट एट दैट टाइम इन्होंने 4 फंक्शन दिए. कौन से 4 फंक्शन दिए हमको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. क्या मिसिंग है इसमें से, स्टाफिंग. इन्होंने कौन से प्रिंसिपल दिए हमें, 4, कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़े किसके बारे में, फ्यूल के बारे में. क्या कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के पढ़कर आए थे कहां से, माइनिंग अकेडमी से, और इन्होंने ग्रेजुएशन का 1860 के अंदर, और किसने ली इन्होंने ग्रेजुएशन,
माइनिंग इंजीनियरिंग, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपनी एक बुक में डिस्क्राइब किया, दैट इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। लास्ट ये पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ सॉरी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इन्होंने हमको दिए। और यहाँ पर हो जाते हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरी फ्योल। अब अगर आपको 5 मार्क के लिए भी पेपर में आता है ना हेनरी फ्योल के ऊपर, तो पैराग्राफ कभी मत लिखना, क्योंकि टीचर ना पूरा का पूरा पैराग्राफ देखने पे ध्यान नहीं देता। टीचर क्या फोकस करता है, पॉइंट्स। आपने 4 मार्क के हिसाब से 4 पॉइंट्स लिखे हैं या आपको वो नंबर दे देगा, 4 मार्क्स 4 पॉइंट्स, ठीक है 4 मार्क्स आपको मिल गए, इस तरीके से चेकिंग होती है। अब अगर आप पैराग्राफ लिखोगे ना ऐसे 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 ऐसे, तो मैं धीरे 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 पढ़ते पढ़ते मैं कहूंगी ठीक है ना 2 मार्क्स दे दो, ऐसे नहीं। बट अगर आपने 1 2 3 4 ऐसे पॉइंटर्स में लिखा, तो मैंने एक पॉइंट पढ़ा, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है 4 1 पॉइंट गलत भी हो गया तो मैं 3 नंबर दूंगी, एटलीस्ट मैं 2 या 1.5 पे नहीं जाऊंगी, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ना, उसके ऊपर भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स और उस सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पेपर्स में जैसे पेपर नजदीक है, इतने भी दूर नहीं रह गए, लेकिन हम उसी टाइम पे बात करेंगे, अभी हमारा फोकस है सिर्फ स्टडीज पे। सो ठीक है, हम लोगों ने अपने 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, साथ में कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे। Till then, take care, bye-bye, and don't forget to follow World of Commerce Classes channel. This side Prachi signing off. Thank you so much.